बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आलू पालक बना रही हूँ जो हर कोई आसानी से बना सकता है। अब मैं बारीक बारीक पालक काट लूँगी। अब एक पतीली लेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला, 2 प्याज डाले बारीक काट के, और मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 2 टेबलस्पून। अब मैं पालक को वॉश कर लूँगी। अब मैंने एक टमाटर इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। टमाटर ज़रा थोड़ा हमारा बड़े साइज़ का था। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया, रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया 1 टेबलस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल दिया 1 टेबलस्पून, हल्दी डाल दी 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा पाउडर डाल दिया 1/2 टेबलस्पून। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं गरम मसाला इसमें डाल दूंगी 1 टेबलस्पून। अब इसमें हम चम्मच चलाएंगे अच्छी तरह से और मिक्स करेंगे। अब मैंने इसमें आलू डाल दिए काट के 3 अदद, जो कि मीडियम साइज़ के थे। मैं 1 किलो पालक बना रही हूँ। इसको हम अच्छी तरह भून लेंगे। इसमें मैंने 2 ग्रीन चिल्ली भी डाल दी हैं, साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। अब इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया और 1 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अब हमने ढक्कन इसका उतार लिया। अब आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। ये बड़ी मज़ेदार और झटपट बनने वाली रेसिपी है। अब हम इस पर ढक्कन दे देंगे और तकरीबन हम 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन उतार देंगे और अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से। मैं ये उन बच्चों के लिए रेसिपी तैयार करती हूँ जो अपने घरों से दूर हैं और खुद खाना बनाते हैं। हमारा पालक आलू रेडी हो चुका है। अब हम इसको सर्व करेंगे, एंड पर थोड़ा सा बटर ऐड कर देंगे।